सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे वॉक फार्मा का। हमारा एक क्लाइंट ने बोला है कि लास्ट 20 डे का वॉक फार्मा का और 20 तारीख से वॉक फार्मा का परफॉर्मेंस चेक करिए, आज 7 तारीख से 7 तारीख तक, तो करीब हम इसका 20 दिन का परफॉर्मेंस हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट 20 डे का परफॉर्मेंस इन वॉक फार्मा। सेल सिग्नल चल रहा था जो कि कंफर्म था, 3 बार उसने होल्ड करवाया, 1, 2, 3, और यहाँ से उसने पोजीशन एग्जिट करवाया, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है। अब हमारे सॉफ्टवेयर में आप जानते हैं, अगर सिग्नल सही है तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर गलत सिग्नल है तो ट्रेड नहीं करना है। फिर से मैं बता देता हूँ, वैसे भी बताता हूँ मैं हर वीडियो के अंदर, कि अगर बाई के पहले ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना है तो काम करिए, अगर नहीं बना है तो आप काम मत करिए। तो यहाँ बाई था, कंफर्म था, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और सेम टू सेम कॉस्ट में आपको डाउन ट्रायंगल डालकर आपको निकाल दिया। इसके अंदर करीबन वो गया था 94, वॉक फार्मा 94 तक गया था करीबन, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो वो ऊपर तो गया ही था, पर एग्जिट उसने कॉस्ट टू कॉस्ट करवाया था। तो डोंट वरी, आप उसमें एग्जिट हो जाइए। बाद में सेल सिग्नल आ गया, सेल भी कंफर्म था क्योंकि सेल के पहले डाउन ट्रेंगल था। हमारा सॉफ्टवेयर स्पेशली आपको साइडवे प्रोटेक्शन दिलवाएगा, जो सही होगा उसमें काम करना होगा। सेल के पहले डाउन ट्रेंगल मतलब सेल कंफर्म। अब ये भी फैसिलिटी आपको दूसरे में नहीं मिलती है कि कितना नीचे जाएगा, कितना होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ उसने रनिंग मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस दिया कि डोंट वरी होल्ड योर पोजीशन। थोड़े टाइम के बाद उसने फिर से क्या किया, डोंट वरी होल्ड योर पोजीशन, मार्केट इज डाउन। और जैसे उसको लगा कि मार्केट ऊपर की तरफ है तो उसने एग्जिट करवा दिया है 28 तारीख को। सिग्नल आया था 25 तारीख को, 3 दिन का उसने बार बार एक बोला था कि होल्ड करने को। अब आपको यहाँ पोजीशन एग्जिट कर देनी है, अब आपको कोई नया सिग्नल का वेट करना है। जब नया सिग्नल जनरेट होता है तब आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ भी आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है, यहाँ ऊपर की तरफ ट्रायंगल आया, आपको अभी भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे बाय सिग्नल आ गया मतलब कि आपको यहाँ से ट्रेड कर देना है। क्यों ट्रेड कर देना है, क्योंकि बाय के पहले ऊपर की साइड ट्रायंगल बना हुआ था, तो ये सही सिग्नल हो गया, कंफर्म हो गया। एक बार आपको यहाँ बताया गया था कि कंटिन्यू पोजीशन होल्ड करिएगा, मार्केट ऊपर की तरफ है, जैसे नीचे की साइड ट्रायंगल आया आपको पोजीशन एग्जिट कर देना है। फिर से उसने एक सेल सिग्नल जनरेट करके दे दिया, मतलब कि सेल सिग्नल है वो कंफर्म सिग्नल है, क्योंकि सेल के पहले उसने नीचे की साइड ब्लू का ट्रायंगल बनाया हुआ था। अब यहाँ एक बार उसने नीचे, काफ़ी मार्केट नीचे आया, जैसे उसने ऊपर की तरफ ट्रायंगल डाल दिया मतलब कि पोजीशन क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। उसने कितने 6 तारीख को एग्जिट करवा दिया, उसी दिन उसने एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल डाला, मतलब कि अब नेक्स्ट में अगर यहाँ तो मार्केट खत्म हो गई, अगर अगले दिन भी वो बाई सिग्नल जनरेट करके देता है तो आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ एक ऊपर की साइड ब्लू का ट्रायंगल डाल दिया है। तो देखते हैं मंडे 9 तारीख को कि क्या होता है, बाई सिग्नल आता है कि नहीं आता है। तो इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर में बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट करके देता है। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट का डेमो चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।